आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज। जनवरी महीने का यह अंतिम सप्ताह चल रहा है और इस सप्ताह में मौसम में काफी उतार चढ़ाव नजर आया है। बुधवार को न्यूनतम तापमान 12.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और आज सुबह ये टेम्परेचर और भी नीचे पहुँच गया, जिसके चलते आज कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा। वही जगह जगह नागरिक सिक्योरिटी करते नजर आए। अकोला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव की घोषणा की गई है। अकोला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष, सह सचिव पद के लिए ये चुनाव आगामी 9 फरवरी 2024 को कराए जाएंगे। ये जानकारी अधिवक्ता धीरज शुक्ला की ओर से दी गई है। वाड़ेगांव पातूर मार्ग पर बुधवार सायंकाल 7 बजे के दौरान बाइक व ट्रक की आमने सामने हुई भिड़ंत में 25 वर्षीय बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाड़ेगांव का नितिन देवीदास बोराडे उम्र 25 बाइक में पेट्रोल भरवाकर वाड़ेगांव की ओर अपने घर जा रहा था कि बालापुर की ओर से वाड़ेगांव की ओर आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। जग प्रसिद्ध लोनार सरोवर की ओर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक के कदम बढ़ते हैं, लेकिन इस जगह सुविधा का अभाव होने से पर्यटन को आज भी होना जैसे गति देते आए नहीं। ये बाब महाराष्ट्र शासन ने 379 करोड़ रुपए का विकास प्रारूप तैयार किया। लोनार पर्यटन यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र करने के लिए प्रयास शुरू है। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत खेल, सांस्कृतिक आविष्कार जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में सहभाग लेने वाले और विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रमाणित छात्रों के लिए विश्वविद्यालय वैकल्पिक परीक्षा 29 जनवरी 2024 से आयोजित की जाएगी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपस्थित रहकर परम पूजनीय जितेंद्रनाथ महाराज का राजराजेश्वर नगरी अकोला में प्रथम आगमन हुआ। इस दौरान जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय जयकार करते हुए श्री राम भक्तों ने उनका भव्य दिव्य स्वागत अकोला रेलवे स्थानक पर किया। किसी भी अच्छे और बड़े कार्य में अनेक समस्याएं आती है, लेकिन विचलित न होकर इन समस्याओं को शांति के साथ सुझाने पर हाथ में लिए गए कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होते हैं। ये प्रेरणा हमने छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के कार्यों से ही ली है, ऐसा प्रतिपादन सांसद भावनाताई गवली ने किया। वाशिम के अकोला नाके पर मंगलवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की अश्वारूढ़ प्रतिमा के कार्य का भूमि पूजन संपन्न हुआ। लाखों भक्तों की तारणहार माता शाकंभरी के प्राकट्य दिन के अवसर पर शक्तिधाम सेवा समिति की ओर से स्थानीय गीतानगर स्थित माता शाकंभरी, माता महालक्ष्मी और माता जीन का सुंदर त्रिसंगम के शक्तिधाम में माता शाकंभरी के भव्य मंगल पाठ महोत्सव का आयोजन किया गया है। स्थानीय नेहरू पार्क अकोला में निःशुल्क योग शिविर का आयोजन 27 जनवरी से 5 फरवरी 24 तक सुबह 6:45 से 7:30 बजे तक पार्क के संचालक ने आयोजित किया है। शिविर में शिव तेज प्रतिष्ठान के अध्यक्ष योग गुरु मनोहर जी यह मन शांति के लिए गोरक्षनाथ की ध्यान साधना पर प्रैक्टिस करवाएंगे। नगर निगम क्षेत्र के तहत गुंथीवारी भूखंडों भवनों के नियमितीकरण के लिए अब तक कई प्रस्तावों में से 600 प्रस्तावों को संशोधित कर इनमें से 150 से अधिक गुंथीवारी के मामले मंजूर किए गए हैं। अन्य 500 प्रस्तावों में से अधिकांश मामले में स्वामिया होने से कई प्रस्ताव प्रलंबित रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज की टॉप 10 न्यूज। जिले से जुड़ी सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज के ऐप को प्ले स्टोर या स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।